गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इट ग्रेड सिक्स साइंस चैप्टर थ्री डे सिक्सटी फाइव हम कॉटन के बारे में पढ़े थे कि कॉटन कैसे निकलते हैं कहाँ से देते हैं हमें कॉटन कैसे मिलता है देन कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड ऑफ द कॉटन इज फ्रॉम मार्च टू नवम्बर देन कॉटन सीड्स आर प्लांट इन द ईयरलीफ स्प्रिंग कॉटन सीड्स ग्रो सीडलीप द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली एंड स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स आर डेवलप्ड ए फुली मेचर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम साइज एज द एज द ऑफ लेमन इट इज ब्राउन इन कलर ये लिमन के साइज में इसके जो फ्रूट्स रहते हैं कॉटन के वैसे दिखते हैं और इसको कॉटन बॉल बोलते हैं कॉटन बॉल देन इट इज ब्राउन इन कलर ये ब्राउन कलर में रहता है आफ्टर मैंसुरेशन द कॉटन बॉल ब्रश्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन अब ये जब पक जाता है ये क्या हो जाता है ब्रश्ट हो जाता है उसके बाद उसके अंदर से कॉटन निकलते हैं देन द हीट ऑफ द सन राइज दिज फाइबर्स टर्निंग दैम फ्लपी एंड एज वाइट एज सोन ड्यूरिंग दिस टाइम द काटन फील्ड लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो अब जब तक <coughs> वो ब्रश्ट होता है ऐसे दिखता है जैसे कोई फील्ड में स्नो जैसे बहुत सारे बर्फ गिरे हुए हो नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिकिंग पिक्ड इन बिग फील्ड मशीन्स आर यूज फॉर पिकिंग कॉटन अब ये ज़्यादातर क्या होता है ये हैंड पिकिंग ही रहता है हाथ से ही इसको तोड़ते हैं और मशीन से तो बहुत मतलब बड़े बड़े जब फील्ड में होते हैं उसमें मशीन यूज होता है यूजेस ऑफ कॉटन कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड लाइन फॉर एग्जाम्पल सॉक्स टी शर्ट्स बेड शीट्स एसेट्रा आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच ऑब्जर्व स्वेट एंड लेट इन एयर द स्वेट ऑब्जर्व बाई कॉटन क्लथ्स एवापोरेट मोस्ट क्विकली ड्यू टू द एयर इट्स स्प्रेड इट रिजल्ट इन कूलिंग डाउन द बॉडी अब कॉटन हमें क्यों ज्यादा अच्छा लगता है कि ये ना है ना सोखता